दिस इज द फिगर नंबर फर्स्ट शोइंग द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम. मैंने इसमें राइटिंग पार्ट नहीं रखा है स्लाइड्स में. अगर आप चाहते हो कि आपके नोट्स बने, यू मे राइट डाउन, क्योंकि मैं इंग्लिश, हिंदी और उर्दू के साथ साथ आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश एज वेल. ओके, तो बात कर रहे हैं हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम की. इसमें क्या करना क्या है, आपको एक यंग ट्विक या यंग स्टेम लेके आना है, और जब आप सेक्शन कटिंग करोगे, एक थिन सेक्शन लेके आकर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको डाइकोट स्टेम कुछ इस तरह से नजर आएगी. तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, इपिडर्मिस नजर आएगा, दैट इज द आउटर मोस्ट एंड इट इज सिंगल लेयर. आउटर वॉल्स ऑफ दिस सिंगल लेयर आर हाईली क्यूटिनाइज्ड और कोटेड विद वैक्स, मींस क्यूटिकल की डिपोजिशन भी होगी इपिडर्मल के बाहर साइड से. और फर्दर मोर यहाँ पे क्या है, जो आपके पास जब आप स्टेम को बारीकी से देखते हो, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आते हैं. दीज आर कॉल्ड इपिडर्मल हेयर्स एंड जनरली दे आर मल्टी सेलुलर एंड देट आर मीन फॉर द प्रोटेक्शन, एक्सेस हीट से स्टेम को बचाने के लिए ये, ठीक है. क्यूटिकल का भी फंक्शन, ताकि डस्ट पार्टिकल आपके प्लांट के अंदर एंट्री ना करे. मीन्स दीज बोथ आर मीन टू गिव टू द प्रोटेक्शन टू द प्लांट, ठीक है. फिर एपिडर्मिस के बाद हमारे पास कुछ स्टेम में हमारे पास क्या होती है, हाइपोडर्मिस होती है, और कुछ में क्या होती है, जनरली कॉटेक्स होती है. कुछ में कॉटेक्स, इन एडिशन टू कॉटेक्स वी हैव ना हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस क्या होते हैं, हाइपोडर्मिस आर द सेल्स विच आर मेड ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल्स. मीन्स हमें पता है कोलेनकाइमेटस आर द सेल्स विच हैव ना डिपोजिशन एट द कॉर्नर्स, ठीक है, एंड दैट आर मीन फॉर टू गिव द प्रोटेक्शन या टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम दिस स्ट्रेस विंड अगर आ जाए, या टू प्रोटेक्ट, हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को, ठीक है, इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. फिर हाइपोडर्मिस के बाद नीचे कुछ सेवरल लेयर्स होती हैं विच आर पैरेन्काइमेटस इन नेचर एंड दैट ऑल आर कॉल्ड कॉटेक्स. देखिए हाइपोडर्मिस के नीचे कॉटेक्स है, हाइपोडर्मिस के नीचे सेलुलर डायग्राम में क्लोरेनकाइमा और पैरेन्काइमा लिखा हुआ है. जब आपके कॉर्टिकल सेल्स पैरेन्काइमेटस नेचर के हो और वहां पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाए, देन वी कॉल इट इन ए क्लोरेनकाइमा. जब क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता, नॉर्मल रहता, देन वी कॉल इट इन ए पैरेन्काइमेटस सेल. और इसके बाद फिर हमारे पास एक पिंक कलर का सेल नजर आया, दैट इज कॉल्ड एंडोडर्मिस एंड इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स. और इनका जो सेल्स की जो शेप होती है, दैट आर बैरल शेप, और इनमें स्टार्च ग्रेन्स होती है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ग्रेन इन दिस सेल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टार शीथ. मीन्स एंडोडर्मिस को हम स्टार शीथ भी कहते हैं. देन वी हैव अन पेरिसाइकल. पेरिसाइकल ऑफ डाइकोट स्टेम इज ए लेयर फाउंड बिटवीन द एंडोडर्मिस एंड वस्कुलर सिलेंडर. जी हाँ, वस्कुलर बंडल के बीच में, देखिए फ्लोएम, कैम्बियम और जाइलम के बीच और एंडोडर्मिस के बीच में आपको कुछ सेल्स नजर आ रहे हैं, दैट आर कॉल्ड पेरिसाइकल एंड जनरली दे आर क्लेरेनकाइमेटस इन नेचर की होती है, बट डिपेंडिंग अपॉन द, ठीक है, कंडीशन ऑफ द प्लांट या नेचर ऑफ द प्लांट. Then we will talk about the vascular bundle. Vascular bundles का सबसे important feature dicot stem क्या है, ऊपर वाले diagram में देखिएगा, they all arrange in ring form. सारे एक ring पे हैं vascular bundles. आप monocot stem की बात करें ना, monocot stem में ऐसा कुछ नहीं होता, muscular जो bundles होती हैं, that all in scattered form, हर जगह फैला रहता है पूरे plant के tissue में, ground tissue में. Where in case of dicot stem, that is the important feature, main difference है monocot और dicot में. यहाँ पे ring form में सारे vascular bundles क्या हैं, arrange हैं, and for the more vascular bundles जो होती है, that are in case of dicot, we have a conjoined and collateral. Conjoined means xylem and phloem both are present at the same radius. देखिएगा xylem और phloem एक ही radius पे है. फिर उसके बाद जो vascular bundle collateral होती है, collateral means your phloem lies towards the outer side. इस diagram में देखिएगा phloem बाहर साइड में है, फिर नीचे आपके जाइलम है. जाइलम जो रिंग, छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, दैट आर दी जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है. तो इसमें हमारे पास वस्कुलर बंडल कंजाइंट हुआ, कोलेट्रल भी हम समझ गए, एंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, दैट इज दी ओपन इन केस ऑफ डाइकोट स्टेम. ओपन मीन्स कैम्बियम सेल्स आर प्रेजेंट एंड वी नो दैट कैम्बियम सेल्स आर मेरिस्टेमेटिक इन नेचर. मीन्स आगे जाके आपके सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम इसी कैम्बियम से बन के आएंगे. फिर उसके बाद हमारे पास
जो वास्कुलर बंडल्स है उनके बीच में कुछ खाली स्पेसेस दिख रहे हैं दैट आर फिल्ड बाय थिन पैरेन्काइमेटस सेल्स एंड वी कॉल दोस एज ए मेडुलरी रेस, मेडुलरी रेस या प्राइमरी मेडुलरी रेस, एंड आर द एरियाज बिटवीन द टू एडजेसेंट वास्कुलर बंडल. इनका फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड पाथवे ऑफ रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर. फिर उसके बाद हमारे पास ऊपर वाले डायग्राम में देखिएगा, वास्कुलर बंडल के बीच में खाली सा जगह है दैट इज कॉल्ड पिथ. और जनरली पिथ हमारे पास क्या होते हैं? दैट आर फिल्ड बाय लार्ज थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल. ये दिस इज ऑल अबाउट टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम. नेक्स्ट फिगर नंबर टू दैट इज शोइंग द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम. इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है? इपिडर्मिस रहता है. डाइकॉट स्टेम के केस में भी, इसमें भी दैट इज पैरेन्काइमेटस इन नेचर. और डिपोजिशन जो क्यूटिकल का होता है टू गिव द प्रोटेक्शन टू द प्लांट दैट इज क्यूटिकल, इसमें भी मोनोकॉट के स्टेम में भी दैट इज हाईली क्यूटिनाइज. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर, हेयर सेल जनरली यहाँ पे मोनोकॉट में एब्सेंट रहता है. इपिडर्मल हेयर हमारे पास डाइकॉट प्लांट्स में रहते हैं जनरली. इपिडर्मिस के बाद हमारे पास यहाँ पे कौन सा है? दैट इज द हाइपोडर्मिस. जो हाइपोडर्मिस का जो नेचर होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट रखिएगा, हाइपोडर्मिस सेल जो होती है दैट आर सिक्लेरेन्काइमेटस इन नेचर. इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, सिक्लेरेन्काइमेटस, कोलेन्काइमेटस, पेरेन्काइमेटस हमने इससे पहले वाले स्लाइड में अच्छे से पढ़ा है. अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसको पहले से देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. फिर उसके बाद हाइपोडर्मिस का फंक्शन तो हम लोग जान रहे, अगर सिक्लेरेन्काइमेटस होगा तो दैट इज मीन फॉर द मैकेनिकल स्ट्रेंथ. ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए होगा टू द प्लांट. और हाइपोडर्मिस जनरली कुछ मोनोकॉट में एब्सेंट भी रहता है, लाइक वीट, एस्परगस, ऐसे कुछ प्लांट्स हैं. फिर उसके बाद हमारे पास देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकल एंड पिथ. लाइक वाइज जिस तरह से हमारे पास डाइकॉट में था, ऐसा कुछ भी नहीं है इन केस ऑफ, ठीक है, केस में मोनोकॉट में. द एंटायर मास फ्रॉम हाइपोडर्मिस टू दिस सेंटर इज कॉल्ड ग्रॉन टिश्यू. ये चीज याद रखिएगा, हाइपोडर्मिस के बाद पूरे बीच तक जितने भी टिश्यू रहती है दैट इज कॉल्ड ग्रॉन टिश्यू. एंड देयर इज नो एनी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकल एंड पिथ. और दैट इज द, ठीक है, मेन फीचर है आपके मोनोकॉट स्टेम का जो कि डाइकॉट से बिल्कुल डिफरेंट है. अगर हम बात करें वास्कुलर बंडल्स की, वास्कुलर बंडल जो होती है वो न्यूमरस इन नंबर है. किसमें? हमारे पास मोनोकॉट में बहुत ज्यादा नंबर रहता है एंड आर स्केटर्ड फॉर्म. डाइकॉट में क्या था? रिंग फॉर्म में था. यहाँ पे क्या है? ए पूरा स्केटर्ड फॉर्म में है. और ये चीज याद रखिएगा, जो आपके वास्कुलर बंडल जो लार्जर साइज के होते हैं वो टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा, और जो छोटे वास्कुलर बंडल्स होते हैं वो कहाँ पे? लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी. और वास्कुलर बंडल्स कंजाइंड होती है. कंजाइंड मीन्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कलेट्रल, एंडार्क एंड क्लोज. एंडार्क और एग्जाक कंडीशन रूट और स्टेम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है. एंडार्क आर द दोज कंडीशन इन विच योर मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द आउटर साइड, ठीक है, और वाइल इज प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द इनर साइड. तो दैट इज द एंडार्क और एग्जाक कंडीशन. यहाँ पे एंडार्क कंडीशन है जो कि स्टेम का है. एक इंपॉर्टेंट फ्यूचर, जो आपका डाइकॉट स्टेम है वो दैट आर क्लोज्ड, कोई वास्कुलर सॉरी आपको कैम्बियम कोई स्ट्रक्चर आपको नजर नहीं आ रहा. जैसे कि इस फिगर में आप साफ देख सकते हो, सबसे पहले क्यूटिकल है, देन वी हैव एन एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस के नीचे कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है विच आर कंटेन क्लोरोप्लास्ट दैट आर कॉल्ड कोलेरेन्काइमा. फिर हमारे पास पूरा ग्राउंड टिश्यू है. ग्राउंड टिश्यू में हमारे पास वास्कुलर बंडल स्केटर्ड फॉर्म में है. देखिए क्रश्ड प्रोटो फ्लोएम यहाँ पे लिखा हुआ, जो प्रोटोजाइलम सॉरी प्रोटोफ्लोएम जो आपका पहले बना हुआ होता है वो क्रश फॉर्म में है. फिर हमारे पास मेन फ्लोएम सेल्स हैं. उसके बाद हमारे पास जाइलम है, मेटाजाइलम. मेटाजाइलम जो लार्ज वाला जाइलम दैट इज लाइंग टुवर्ड्स द आउटर साइड, और प्रोटोजाइलम जो है दैट इज लाइंग टुवर्ड्स द इनर साइड, दैट इज कॉल्ड एंडार्क कंडीशन. फिर उसके बाद हमारे पास स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीथ भी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर, ये भी याद रखिएगा. बंडल शीथ जो होती है एक स्पेशल सेल होती है जो इस वास्कुलर बंडल को क्या करता है? सराउंड करता है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम. दिस इज द फिगर शोइंग द डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम. इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम
वी हैव अ क्लियर डिफ्रेंशिएशन होता है किस चीज का, एपिडर्मिस, वी हैव अ कॉर्टेक्स, वी हैव अ एंडोडर्मिस, वी हैव अ पेरिसाइकल, देन वी हैव अ पिथ. ऐसा कोई मोनोकॉट स्टेम में नहीं होता. मोनोकॉट स्टेम में हमारे पास क्या रहता है, वी हैव अ एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, फिर जितने भी टिश्यूज रहते हैं वहां पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है. पेरिसाइकल एंडोडर्म, हम उसे क्या कहते हैं, जो हाइपोडर्मिस से पूरा सेंटर तक जो भी टिश्यू रहता है दैट इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू. अगर हम इपिडर्मिस की बात करें तो इपिडर्मिस दोनों में सिंगल लेयर की होती है, द क्यूटिकल दोनों में रहती है. इंपॉर्टेंट डिफरेंस कहाँ पे है, इपिडर्मल हेयर्स यूजुअली डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट रहता है, मोनोकॉट में एब्सेंट रहता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर डाइकॉट और मोनोकॉट में, हाइपोडर्मिस जो रहती है इपिडर्मिस के जस्ट नीचे, वो कोलन काइमेटस इन नेचर होती है. किस में, डाइकॉट में, वेयर इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम हाइपोडर्मिस इज सिक्लेरन काइमेटस इन नेचर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर डिफरेंस है. वस्कुलर बंडल्स हमें पता है रिंग फॉर्म में है, किसमें, डाइकॉट स्टेम में, आप लोग को क्लियर नजर आया. वेयर इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम वस्कुलर बंडल्स आर इन स्केटर्ड फॉर्म, पूरा फैला हुआ है पूरे ग्राउंड टिश्यू में. और जो आपका, हम मेडुलरी रेस की बात करें, जब वस्कुलर बंडल, दो वस्कुलर बंडल के बीच में जो मेडुलरी रेस जो होती है, पेरेन्काइमेटस इन नेचर, डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट रहता है, मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट रहता है. वेयर इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम हर जितने भी वस्कुलर बंडल्स हैं डेट आर सराउंडेड बाय सम स्पेशल सेल, वी कॉल इट इन ए बंडल शीथ सेल, मोनोकॉट स्टेम में प्रेजेंट रहता है. वेयर इज इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम बंडल शीथ इज एब्सेंट. वस्कुलर बंडल दोनों में कंजाइंट है, कोलेट्रल है, एंडार्क है. डिफरेंस कहाँ पे है, वस्कुलर बंडल डाइकॉट में ओपन है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, और मोनोकॉट स्टेम में वस्कुलर बंडल क्लोज्ड है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ कैम्बियम. वस्कुलर बंडल का जो नंबर है वो कम रहता है किसमें, डाइकॉट स्टेम में. मोनोकॉट स्टेम में वस्कुलर बंडल आर न्यूमरस, बहुत सारे रहते हैं. लाइसोजिनस केविटी एक होती है जाइलम के बेस पे, वो जनरली मोनोकॉट स्टेम में प्रेजेंट रहता है, वेयर इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम इट इज एब्सेंट. दैट इज ऑल अबाउट मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम.